तथागत भगवान बुद्ध के पावन जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तथागत गौतम बुद्ध के मार्ग पर चलते हुए हम सभी को मानवीय कार्य करने चाहिए। तथागत का ये संदेश हम लोगों के लिए है कि मानव मानव के काम आता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए हमें केवल और केवल मानवता के लिए सोचना चाहिए। हम सभी इसी दिशा में छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। एक छोटा सा संगठन हमने मुस्कुराहट के नाम से बनाया, जिसके माध्यम से हम भगवान बुद्ध की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए प्रयास कर रहे हैं कि आम जन तक जो भी आवश्यकमंद जरूरतमंद लोग हैं, जिनको आवश्यकता है, उन तक आवश्यकता की चीज़ें हम पहुंचाएं। इसी प्रयास में हमारी संस्था मुस्कुराहट कार्य कर रही है और हम इसके माध्यम से जरूरतमंद लोगों तक अपना सामान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तथागत का उद्देश्य यही रहा है कि एक दूसरे के हम काम आवें। और इस बुद्ध पूर्णिमा पर मैं यही निवेदन करूंगा सभी लोगों से कि सभी लोग इसी प्रकार का कार्य करें कि एक दूसरे मानव के हम काम आएं, क्योंकि कोरोना का काल है, हर आदमी इसमें त्रस्त है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने दैनिक दिनचर्या का सामान भी नहीं जुटा पा रहे हैं। गत वर्ष जो लॉकडाउन लगा था उसमें भी हम लोगों ने प्रयास किया था और लगभग 400 परिवारों तक राशन और राह चलते राहगीरों को भोजन और अन्य चीज़ें हमने उपलब्ध करवाने की कोशिश की थी। अभी भी दुर्भाग्य से फिर ये लॉकडाउन लगा, फिर एक बार हम आप सभी लोगों के दोस्तों के सहयोग से बाबा साहब और भगवान बुद्ध की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए इस मानवीय कार्य में प्रयासरत हैं। हम यही चाहेंगे कि सभी लोग इस प्रकार थोड़ा थोड़ा करके सहयोग करते रहेंगे तो ये कड़ी जुड़ती जाएगी और हम एक दूसरे के काम आते रहेंगे। भगवान बुद्ध की इस विचारधारा को सभी लोग आगे फैलाएं। मैं पुनः आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस पूर्णिमा पर आप सभी लोग दीपक जलाएं, तथागत का स्मरण करें और जो भी आपसे बन सके दान के माध्यम से या सहयोग के माध्यम से एक दूसरे का मदद करने की कोशिश करें। सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। आपका पद नाम? मैं रमेश चंद वर्मा, विकास अधिकारी, LIC भरतपुर।